आज आपके साथ भारत के एक ऐसे पॉलिटिशियन नहीं बल्कि भारत के एक ऐसे महान लीडर की कहानी को शेयर करना है जो अपने सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करते थे। टुडे इज 25 दिसंबर, बर्थडे ऑफ अ ग्रेट लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। दिस डे आल्सो सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे इन आवर कंट्री। आज आपके साथ अटल जी के हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन को शेयर करना है जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है देन प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अगस्त 1942 में जब अटल जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे तब उन्हें 23 दिन के लिए अरेस्ट किया गया था। 1977 में मोरारजी देसाई के सरकार में अटल जी को विदेश मंत्री यू ही नहीं बनाया गया और जब बारी आई संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की तो वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया बल्कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। अटल जी 1996 से 2004 तक तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब 1998 में अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के अंदर 24 साल बाद में 1998 को पोखरण में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की थी जिसके कारण दुनिया को पता चल गया था कि भारत मजबूत और शक्तिशाली देश है। अटल जी भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमेशा बातें करते थे, इसीलिए अटल जी ने 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवाएं शुरू की थी। अटल जी सबसे पहली बस में खुद दिल्ली से लाहौर गए थे ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते हो, लेकिन इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने कारगिल वॉर शुरू किया था। इससे यह साफ हो गया था कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। दिसंबर 2001 में हमारे देश के पार्लियामेंट पर आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया था। तब देश के कई जवान शहीद हुए थे। तब सरकार से देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की डिमांड की गई थी। तब अटल जी ने वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिज्म लॉ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया था। देश में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय अटल जी को जाता है। 1999 में अटल जी की सरकार ने BSNL की मोनोपोली खत्म कर दी थी और न्यू टेलीकॉम पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। एक समय ऐसा था कि भारत में कॉलिंग रेट 17 रुपए पर मिनट हुआ करते थे, लेकिन आज भारत दुनिया के चीपेस्ट कॉलिंग रेट प्रोवाइड करने वाले देशों में से एक है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के कारण कॉल रेट कम होने लगे और देश में मोबाइल यूज करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट, यह अटल जी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक था। इस प्रोजेक्ट के कारण देश के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज लाइक चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, इन शहरों को जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के कारण देश को आज भी बेनिफिट हो रहा है। अटल जी के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश के हर गाँव में पक्के रास्ते बनाए गए जिसके कारण गाँव और शहरों की दूरी कम हुई और किसान उनको अपनी फसल जहाँ चाहे वहाँ बेचने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध हुई। अटल जी ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के तहत देश के हर बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक एजुकेशन फ्री में दिया जाता है। इस पॉलिसी का मकसद था कि देश के हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके। सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों की संख्या 60% से घट गई और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को काम पर भेजते थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। 2009 में इस पॉलिसी में और सुधार किए गए जिसके कारण देश एजुकेशन और लिटरेसी रेट में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। अटल जी ने चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट पास किया था और भारत के 56th इंडिपेंडेंस पर अटल जी ने कहा था कि आवर कंट्री इज नाउ रेडी टू फ्लाई हाई इन द फील्ड ऑफ साइंस। आई एम प्लेस्ड टू अनाउंस दैट इंडिया विल सेंड हर ओन स्पेसक्राफ्ट टू द मून बाय 2008 जिसका नाम चंद्रयान होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब हमारे देश पर कई संकट आए थे। एक अर्थक्वेक, 2 साइक्लोन्स, ऑयल क्राइसिस, कारगिल वॉर, पार्लियामेंट अटैक और भी बहुत कुछ। फिर भी उस समय हमारे देश की GDP रेट 8% पर मेंटेन थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अटल जी फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अटल बिहारी
वाजपेयी अपने कार्यकाल में 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के मेंबर्स रह चुके हैं। हमारे इस देश के लिए उनके इस महान कार्यों के कारण उन्हें 2015 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और 1994 में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन और महान लीडर क्या होता है और वो अपने देश के लिए क्या काम करता है, ये हमें अटल जी ने दिखाया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लव भारत। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता।